बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था? बाहरी थे, बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था? अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ। लेकिन यहाँ तबीयत संभाली आप लोग, तबीयत संभाली आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। भारत बदल रहा है, मोदी के राज में विदेश में भारत की छवि किस कदर कलंकित हो रही है, शायद अब कुछ अलग बोलने की जरूरत नहीं है। साथ में गोदी मीडिया भी किस कदर विदेशों में जलील खार हो रही है, इसकी भी बारह मिसाल अब देखने को मिल रही है। तो गोदी मीडिया को दाखला भी नहीं दिया जा रहा, खुद वजीर आजम मोदी भारत में तो हे राम कहते हैं, पर जैसे ही विदेश पहुंचते हैं वो माय गॉड कहते हुए देखा जाता है। इस हफ्ते एक और खबर देखने को मिली कि पूरी दुनिया में 180 मुल्कों में भारत प्रेस की आजादी में 150वें नंबर पर पहुंच गया। वैसे गोबर भक्तों को मुबारकबाद, क्योंकि ये मुबारकबाद उन्हें ही देनी होगी जिन्होंने गोमूत्र और गोबर से कैंसर तक की बीमारी खत्म होने का दावा किया था। खैर, आज का मौजू प्रेस की आजादी पर दुनिया भर में भारत की हो रही थू थू पर है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की फेरिस में भारत को अब और 8 पायदान नीचे करते हुए 150वें नंबर पर पहुंचा दिया है। अब भारत में मीडिया क्या काम कर रही है और इसकी असल जिम्मेदारी क्या है सभी जानते हैं। जब मीडिया लोकतंत्र का चौथा सुतून यानी कि चौथा स्तंभ या कहलाता है, वही भारत में जब से मोदी हुकूमत आई है सिवाय चाटुकारिता के कुछ भी नहीं हुआ है, और कुछ मीडिया हाउसेस की मजबूरी भी बन गई है। अब आप मोदी हुकूमत या भाजपा के खिलाफ कोई स्टोरी चलाता है तो तुम पर फौरी तौर पर कार्रवाई की जाती है। वाजह रहे, जब से मोदी प्रधानमंत्री बने हैं तब से अब तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई, और यह दलील भारत में मीडिया की कैफियत को बयान करती है। जब मीडिया वजीर आजम को मौजूदा हालात पर घेरने के बजाय उन्हें तुम थकते क्यों नहीं जैसे सवाल पूछती है, कभी वजीर आजम को सवाल आम चूस कर खाते हो या काट कर खाते हो जैसे पूछे जाते हैं, और जब भी विदेश से कोई देश में आता है या फिर खुद वजीर आजम विदेश जाते हैं तब भी भारत के कुछ इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ फसाद बर्पा किया जाता है। हाल ही में वजीर आजम मोदी जर्मनी, डेनमार्क और फ्रांस के दौरे पर है, लेकिन इसी वक्त कांग्रेस इख्तदार राजस्थान में ईद के मौके पर फसाद बर्पा किया गया। जानबूझकर ईद के वक्त मुसलमानों का परचम निकाल कर भगवा परचम लगाया गया, लिहाजा इस फसाद को भी साजिश के तहत अंजाम देने की बात कही जा रही है। इससे पहले भी जब ट्रंप भारत के दौरे पर आया था तब भी दिल्ली में मुस्लिम कश फसादात बर्पा किए गए। हाल ही का फसाद भी बजाय दबाने के 5 मई तक चलाया गया, मतलब सियासी मुफाद हासिल करने के लिए एक समाज की कुर्बानी कैसे दी जाती है ताकि इसका चुनावी फायदा हो सके। किसी एक समाज को निशाना बनाने के बाद मीडिया का किरदार भी आग में तेल डालने का होता है। ईद की नमाज के वक्त पथराव कहां से हुआ? क्या नमाजी पत्थर लेकर नमाज में शरीक थे? ऐसा बेहुदा और बेबुनियाद बातों का नैरेटिव चलाकर बहस डिबेट की जाती है टीवी पर, मुल्क भर में माहौल को खराब कर दिया जाता है। अब तो सोशल मीडिया भी इस नफरत के बाजार में अपनी दुकान लगा के बैठी हुई है, और जो लोग सत्ता से सवाल करते हैं या फिर मोदी सरकार हिंदुत्व के विरोध या मुखालफत में बोलते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं, इस पर पाबंदियां भी आयद की जाती है। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार की पाबंदी, इंटरनेट पर पाबंदी, खास तौर से कश्मीर में जहां एहतजाजियों के चेहरे रिकॉर्ड करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल, भारत में पुलिस के जरिए एहतजाज को महफूज करने के लिए और एहतजाजियों के चेहरों को शनाख्त करने के लिए तकनीकियों का इस्तेमाल किया जाता है। एहतजाज की जगह पर सीसीटीवी कैमरे और पुलिस के जरिए किराए पर लाए गए ओपन सोर्स वीडियोस का वसी तौर पर इस्तेमाल, फोन टैपिंग और स्मार्टफोन की जियोलोकेशन तकनीकों का इस्तेमाल करके अपराधों की आवाजाही के ट्रैक करना, कानून में तरमीम करना जो पुलिस को शहरियों की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और दिगर बायोमेट्रिक डेटा को रिकॉर्ड और स्टोर करने का हक देता है, और यहाँ तक कि मोबाइल को ट्रैक पर डालकर कितने लोगों से बातें हुई वगैरह करके जुर्म को रोकने की कोशिश की जाती है, और भी तरीकों का सहारा लेना जैसा कि जहांगीरपुरी आदि में बुलडोजर एडवेंचर के दौरान हुआ था। रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया, मोदी हुकूमत का ढिंडोरा भले ही गोदी मीडिया सुबह शाम बिना थके पीटती हो, लेकिन भारत की तस्वीर काफी हद तक दागदार हो चुकी है। महज रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने ही भारत में साफियों के हुकूक को दबाने की या प्रेस की आजादी को छीनने की बात नहीं की है, बल्कि और भी तकरीबन 8 एजेंसियों से भी जायद ने इसका जिक्र किया है, जैसे कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, फ्रीडम हाउस, पैन अमेरिका, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट, सिविकस, एक्सेस नाउ, इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्टिक, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच। इन तमाम ने भारत में किस तरह प्रेस की आजादी और मुस्लिम माशरे पर हो रही ज्यादती पर खुलकर लिखा है। इसी तरह अक्वामे मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को के जरिए खामोशी के खतरात में भारत में साफियों पर हो रहे हमलों पर बहस की गई, जिसमें खासकर 22 साफियों को मार डालने का जिक्र किया गया, तो 1000 से भी ज्यादा साफी
सियासतदान इंसानी हकूक के कारकुनों की निगरानी का भी तस्करा किया गया। अप्रैल में भारत सरकार की जानिब से 22 यूट्यूब चैनलों पर पाबंदी लगा दी गई जिसमें 18 भारतीय थे। इसके अलावा सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक न्यूज वेबसाइट को भी बंद कर दिया गया, साथ में फेसबुक अकाउंट्स को भी ब्लॉक कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2015 के अपने एक तारीखी फैसले में कानून की आईटी एक्ट दफा 66A के तहत कानून की हद से ज्यादा उमूमियत के नाम पर महफूज इजहार राय की आजादी को महदूद करने की बुनियाद पर कानून को ही खत्म कर दिया गया, यानी इजहार की राय को गैर महफूज है, लिहाजा इजहार राय पर आजादी कानूनी पाबंदियां नाकिस की गई है। इसी तरह जर्मनी की DW न्यूज चैनल ने तो मोदी हुकूमत की प्रेस की आजादी पर धज्जियां उड़ा दी और भी विदेशी मीडिया पर इसका बहुत खराब असर देखा जा रहा है। आखिरकार खुद सुप्रीम कोर्ट ने गोदी मीडिया को सर्कुलर के जरिए कहा कि अब जिस तरह बदबू गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम के जरिए और बिला वजह मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े जा रहे हैं, इसे रोका जाए, क्योंकि भारत में तो सब चलता है लेकिन विदेशों में हो रही बदनामी तमाम तारीखी मियार को पार कर रही है, लिहाजा अब कुछ सच्चाई भी दिखाई जाए। ऐसा कहा गया, इतना तो जरूर है कि रोज हिंदू मुस्लिम भगवादारियों का मस्जिदों पर भगवा लगाना, रोजाना किसी तरह की जयंती के बहाने जुलूस निकाल कर एक समाज को निशाना बनाना और गोदी मीडिया स्टूडियो में बैठकर जिस तरह की गंदगी फैला रहा है दुनिया भर की नजरों में जलोखौर होते भारत के टीवी एंकर शायद वजीर आजम मोदी को भी इसका एहसास होता जा रहा है। लिहाजा इतना जरूर है कि भारत की तस्वीर दुनिया भर में घटिया और चाटुकारिता पत्रकारिता के जरिए कलंकित हो गई है, शायद अब इसे फिर से बेहतर बनाना काफी मुश्किल हो चुका है, इतना जरूर है। इतिहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। स्पीड इलेक्ट्रिक फ्रॉम बेलगाम, एक स्पीड इलेक्ट्रिक लिमिटेड EM स्पीड प्राइवेट लिमिटेड एक बेलगाम बेस्ड कंपनी है, इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो आई है और इसके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेलगाम में हम एक को पार्टनर के साथ अपने नॉर्थ इंडिया में और इंडिया में बेलगाम में भी हम लोग असेंबलिंग चालू किए हैं और ये हमारे पास 5 मॉडल आए हुए हैं। ये 5 मॉडल की जो खासियत है, इसके यूनिक कलर के मॉडल्स हैं और यूनिक कलर्स हैं गाड़ी के, और ये बैटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसमें जो बैटरी लगी हुई है 60 वोल्ट 30 एज की बैटरी है, आप उसको 4 आवर्स चार्ज करेंगे, 4 घंटा जो चार्ज करेंगे इसका माइलेज आपको 80 से 100 किलोमीटर मिलेगा और इसका प्राइस रेंज चालू होता है 80,000 से पकड़ के 1,00,000 रुपीज़ तक है। और हम जो अभी आपको हम बैटरी का सर्विस 3 साल की वारंटी दे रहे हैं बैटरी के लिए और मोटर के लिए हम लोग 1 साल की वारंटी है और हमारे सर्विस में रहेगी गाड़ी 3 साल तक। और हम लोग अपने चार्जिंग स्टेशन भी ला रहे हैं, हमने अभी एक कदम करके कंपनी से चार्जिंग स्टेशन टाइप किया है और बेलगाम में हम लोग पूरे 2-व्हीलर के चार्जिंग स्टेशन भी बिठा रहे हैं। हमारे चार्जिंग स्टेशन पॉइंट्स आ रहे हैं एक आजम नगर, हाँ ये 3 किलोवाट का चार्जिंग स्टेशन है, एक कॉमनली जो सभी इसमें यूज़ हो ईज़िली आप इसको एक्सेसिबल करके चार्ज कर सकते हैं, इसे कोई स्पेशल पॉइंट की ज़रूरत नहीं, आपका स्पेशल जो भी रेगुलर कनेक्टिविटी है उससे लेके आप इसको अपने बाहर लगा सकते हैं। हाँ, हमारी जो चार्जिंग पॉइंट्स जो आ रहे हैं, एक है वो आजम नगर, एक मेन रोड पे आ रहा है, एक हनुमान नगर सर्कल पे आ रहा है, कुमार स्वामी लेआउट में एक आ रहा है और अपने मेन कैंप में एक अपने मेन ऑफिस के पास एक रहेगा, तिलकवाड़ी फर्स्ट गेट में रहेगा और अनगोल में रहेगा। जो बेलगाम के लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी चार्जिंग के लिए, जहाँ भी आप स्कूटर लेंगे अभी अगर आपका चार्जिंग थोड़ा कम हो रहा है तो आप वहाँ जाके उसको चार्ज करा सकते हैं। वो चार्जिंग का जो हमारा जो चार्जिंग का जो सिस्टम है वो हमने इसमें ऐप डाउनलोड ऐप का बारकोड लगाया हुआ है और 15 मिनट का हर एक स्लैब रखा हुआ है, एवरी 15 मिनट्स फुल चार्ज और सम चार्जेस, और अभी तो चार्जेस है 15 मिनट के, आप 15 मिनट आधा घंटा एक घंटा ऐसा करके स्लैब करके चार्जिंग कर सकते हैं। ये ऐप से डाउनलोड करने के बाद आप हमारे चार्जिंग स्टेशन पर चार्ज कर सकते हैं। और ये हमारे जो इतने कलर्स हैं, ये जो एक हमारा है ईगोगो और ये हमारा ईगोगो 5 और ये है हमारा ई फैंटासी और ये है हमारा सुपर प्रो, और इसमें बहुत सी बेहतरीन कलर्स हैं और परफॉर्मेंस बढ़िया है। मैं बेलगाम के गुजारिश करता हूँ सब लोगों से कि आप इलेक्ट्रिक स्कूटर प्रिफर करें, पेट्रोल गाड़ी वापरना कम करें और ये जो इलेक्ट्रिक से आपको जो बेनिफिट होगा इससे आपका पूरा बहुत सा सेविंग हो जाएगा। पेट्रोल आजकल के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये बेलगाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद। थैंक यू।
टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी बेरे आ टीचर्स टीचर्स प्राइमरी स्कूल इलू मिडल स्कूल हाईस्कूल हाईस्कूल एंड अबव हाईस्कूल कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएशन इवेल कॉलेज पाठ माता लेक्चरर्स प्रोफेसर इवरेलू आमले आल टीचर्स आर ग्रेजुएट्स बट आल ग्रेजुएट्स आर नॉट टीचर्स आल टीचर्स आर ग्रेजुएट्स दे आर बोथ कमिंग इन दी टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड आल्सो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी वेरस ग्रेजुएट्स ग्रेजुएट्स कॉन्स्टिट्यूएंसी मात्र बरतर इवर वे सेरसी वोट कष्ट केस एला मतदार टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी जन इत सवर टीचर्स कॉन्स्टिट्यूएंसी इलीवे इन रिजिस्ट्रेशन आगद इन जन आता नोटिफिकेशन आगोवर्गू अलवेन संघ नोटिफिकेशन आदल नामिनेशन लास्ट डे ऑफ विड्रॉयल स्वल्प नन ज्ञान कड़मे बे लास्ट डे ऑफ विड्रॉयल अलीवर्गु कूड़ा नोंदणी अवकाश इदे अद्रे इन वोटर्स अवकाश चुनाव नम कार्यकर्त नम मुखंड एम एल एक्स एम एल एक्स मिनिस्टर एम एल एक्स एम एल एलू कूड़ा मतदार वैयक्तिकवा भेटी अत्यंत आवश्यक बरी अपील प्रतियोबू कूड़ा वैयक्तिकवा पत्र बर अपील भाग एरने मतदार नेर भेटी अब क्याडेट ग्राजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी मोर दैन वन लाख तार सवि जन इलीवर्गते सो इन आग लक्ष जन आगबूद लक्ष अंतर इस नाट ए स्माल नंबर लक्ष वोटर्स अंतर इस नाट ए स्माल नंबर बहुत दौडद ग्राजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी स्पर्धे भाला ओडाड़ अदे वो प्लान आफ आक्षन स्ट्राटजी वोटर्स हाउ टू कनेक्ट देम वोटर्स हे ना भेटी अतकू भाला मुख्य आते भारतीय जनता पक्ष मेले इडी कर्नाटक सरकार मेले केंद्र सरकार मेले जन असमधान जो इवरे विद्यावंत क्षेत्र विद्यावंत क्षेत्र ग्रेजुएट्स टीचर्स प्रोफेसर अंतर देर आल एजुकेटेड पीपल अकॉर्डिंग टू मी दे हैव अंडरस्टूड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पॉलिटिकल इक्वेशंस एंड द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट इवत्तु केंद्रदल्लिरतक्कंत सरकार इरबहुदु राज्यदल्लिरतक्कंत सरकार इरबहुदु मोस्ट नॉन इन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट मोस्ट नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स केंद्रदवरु इवत्तुवरेगे सुळ्ळु हेळ्कोंडु जनरिगे नरेंद्र मोदी अवरु एनु हेळिद्रु बहुतेकवागि फुलफिल माडक्कागिल्ल अंत
राज्य सरकार कूड़ा अदेन एलेक्टेड गवर्नमेंट अल कर्नाटक येडियूरप्पन एलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अल बसवराज बोम्मई एलेक्टेड चीफ मिनिस्टर अल बोथ ऑफ देम आर अपॉइंटेड ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹಿಂಭಾಗಲಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತವರು ಇದು ಒಂದು ಅನೈತಿಕ ಶಿಶು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನೈತಿಕ ಶಿಶು ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಬಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ वर्ष एर तिंग चीफ मिनिस्टर आगे अदादले ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಕಮಲ ಮಾಡಿ चीफ मिनिस्टर आगे और एर वर्ष एर वर्ष तकबार अग्रिमेंट आगे एर वर्ष सो नानिष्टे निम्मल्लि कई मुगिदु प्रार्थने माडोदु ई चुनावणेगळु नमगे सवालुगळिद्दागि ई चुनावणेदल्लि गेल्तक्कंत वातावरण इदे ವಾತಾವರಣ ಇದೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಕ ಅವರು ಸುನೀಲ್ ಸಂಕ ಅವರು ಕೂಡ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇಡಿ ಪಕ್ಷ ಅವರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಸೋ ಬಿಜೆಪಿ ಲಿ ಟೀಚರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರೋದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಸೋ ನಮಗೆ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗೆ ಇದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗಳ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ಎಲ್ಲರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕರಪ್ಷನ್ ಯಾವ ಕೂಡ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ನಡೆಯತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇಷ್ಟು ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಎಸ್ಪಿ ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹಾಕಿದ್ರು ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಇಡಿನೋ ಸಿಬಿಐನೋ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅವರು ಕೂಡಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸೋ ಮೋಟೋ ಕೇಸನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಒಂದು ಮುಚ್ಚಾರೆ ಏನೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಬೆಳೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇರೆ ಮಂತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿರಾಣಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀವು ಸಮರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗ ಅದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಸೊ ಇದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ಆಫೀಸು ಬಿ ಡಿ ಓ ಆಫೀಸು ಪಂಚಾಯತಿ ಆಫೀಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ
ಈಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರಾರು ಅರ್ಜಿಗಳು ಈ ಲೋಕಾಯುಕ್ತಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋದು ಕಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗೂ ನಾನು ಇದನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಬೇಕಾದ ನಾನು ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆವೇ ಇನ್ನ ಒಂದಷ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಸೋ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಡಿ ಸಿಬಿಐ ನವರು ಸೋ ಅಕ್ಮೋಟ ಕೇಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ।